नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं, आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी पर भारत ने साफ कह दिया है कि हालात तभी सुधरेंगे जब चीन वापस 5 मई वाली स्थिति पर लौटेगा। दोनों पक्षों में बातचीत जारी रखने और शांति की कोशिशों पर सहमति भी बनी है, लेकिन भारत अपनी अखंडता के लिए हर तैयारी करने पर भरोसा कर रहा है। इसी सिलसिले में आज आर्मी चीफ लद्दाख के दौरे पर पहुंचे, ये रिपोर्ट देखिए। एक हफ्ते के अंदर दो दो सेना प्रमुखों के कदम लद्दाख की धरती पर पड़ गए। पहले एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और आज सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे लद्दाख में सरहद के हालात और अपनी तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए। मतलब साफ है कि चीन से बातचीत अपनी जगह, लेकिन भारत कोई खुशफहमी पालकर नहीं बैठेगा। वैसे भी भारत चीन से सीधे और साफ शब्दों में कह चुका है कि उसे पीछे हटना ही होगा, सुलह का कोई और रास्ता नहीं है। कल गलवान घाटी के मोल्डो में दोनों तरफ के कोर कमांडरों की 11 घंटे तक जो बैठक चली, उसका लबोलुभाव यही है। उस बैठक में हुई कुछ और भी बातें निकलकर सामने आई जो शांति के लिए भारत ने चीन को साफ साफ समझा दी है। मसलन एलएसी पर हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। चीन को 5 मई वाली स्थिति में लौटना होगा। 5 मई से पहले वाली स्थिति में फिंगर 8 को खाली करना भी शामिल है। भारत अपनी तरफ सड़क निर्माण कार्य जारी रखेगा। शांति कायम करना दो तरफा जिम्मेदारी है। लद्दाख में सभी जगहों पर टकराव खत्म करने का रास्ता दोनों देशों को मिलकर निकालना होगा। भारत ने चीन से साफ कह दिया है कि आप हमें बताइए कि कब तक आपकी सेना जो है वो सारी चीजों को डिसमेंटल करेगी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी तरफ वापस उस जगह पर जाएगी जो 5 मई से पहले की स्थिति कही जा रही है। चीन की तरफ से भले ही बहुत सारे वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन भारत उन चीजों पर अव्वल तो यकीन नहीं कर रहा है। दूसरी चीज ये हो रही है कि भारत ने अपनी तैनाती किसी भी तरीके से चीन के किसी भी आश्वासन पर कम नहीं की है, क्योंकि गलवान घाटी को लेकर चीन एक बात करता है और पेंगोंग सो में अचानक अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा देता है। दूसरी तरफ आमतौर पर जानकारियां छिपाने वाला चीन भी मान रहा है कि सोमवार को हुई बैठक सकारात्मक रही। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक कोर कमांडर स्तर की बैठक में दोनों पक्षों में सभी मुद्दों पर गहराई से बात हुई और हालात सामान्य करने के लिए जरूरी कदम उठाने पर सहमति बनी। दोनों पक्ष सहमत हैं कि सरहद पर शांति कायम रखने के लिए बातचीत और साझा कोशिशें जारी रहें। हालांकि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में अपने सैनिकों के मारे जाने की बात पर अब तक खामोश रहा चीन, अब इसे नकार रहा है। चीन ने दबाव में चलते ये बात मान ली है कि उनके एक कमांडिंग ऑफिसर सीओ साहब और उनके साथ एक और ऑफिसर की मौत हुई गलवान में जो झड़प हुई। हमें मालूम है कि चीन जो है ऐसी बातों को आसानी से मानता नहीं है, पर इस बात को मानना ही अपने आप में ये बताता है कि चीन इस समय दबाव में है। चीन की धोखेबाजी से पूरी दुनिया वाकिफ है, भारत सबसे ज्यादा। ये वीडियो इस अविश्वास को और भी बढ़ाने वाला है। वीडियो 17 जून के आसपास का है, यानी गलवान घाटी में हुई झड़प के ठीक बाद का। तिब्बत के इलाके में बनाए गए इस वीडियो में चीनी फौजें और साजो सामान का काफिला एलएसी की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। यानी बातचीत के साथ चीन अगर कुछ और भी तैयारी कर रहा है तो हैरत अंगेज नहीं होगा। एयरफोर्स और आर्मी चीफ के लद्दाख दौरे से यह बात साफ जरूर है कि अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो नतीजा उसके लिए जरूर हैरत अंगेज होगा। लेह से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो एयर चीफ के बाद आज आर्मी चीफ भी पहुंचे हुए हैं। 2 दिनों का उनका यह लद्दाख दौरा। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको देते हैं। सेना की ओर से आर्मी चीफ के लद्दाख दौरे पर बयान जारी किया गया है। सेना की ओर से जानकारी दी गई है कि आज पूरे दिन का क्या कार्यक्रम रहा। जनरल नरवणे के लेह दौरे पर सेना की ओर से बाकायदा बयान जारी करके कहा गया है कि थल सेना प्रमुख ने घायल सैनिकों से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और साथ ही सैनिकों की हौसला अफजाई भी की है। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त लद्दाख से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, सेना की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसमें और क्या क्या बड़ी बातें बताई गई हैं? बड़ी बातें वही है चित्रा जो हम सुबह से जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि वो किन किन से मुलाकात करने वाले हैं, कैसी समीक्षा करने वाले हैं। बहुत डिटेल्स में नहीं गए हैं, जाहिर है क्योंकि इस तरह की चीजें सार्वजनिक मंच पर नहीं आनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बताया कि जो सेना अध्यक्ष हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, जो कि जीओसी नॉर्दर्न कमांड, और साथ में यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह हैं, और उनके साथ ही पूरी समीक्षा की है, बातचीत की है, और उसके बाद
अस्पताल जो है आर्मी अस्पताल लेह में, वहां पर जाकर जो घायल सैनिक है हमारे उनसे मुलाकात की है। जवान हूँ, अफसर हूँ, सबकी तारीफ उन्होंने की है, सबकी हौसला अफजाई की है और सबसे कहा है कि इसी तरीके से आप डटे रहिए, अपनी जगह पर खड़े रहिए। इसके साथ ही जो हम बता रहे थे कि जो लद्दाख के सांसद हैं उनसे मुलाकात उनकी हुई है, जामयांग त्शेरिंग नामग्याल से, हॉल ऑफ फेम है यहाँ पर लेह में, वहां पर उनकी मुलाकात हुई है। क्योंकि जो सीमावर्ती इलाके के गांव वाले हैं उनकी अपनी बहुत सारी इशूज थी जिनकी बातें लद्दाख सांसद करते भी रहे हैं अपनी तरफ से, और चूंकि वहां पर सैनिकों की ही तैनाती है इसीलिए जो चरवाहे हैं जो आगे थोड़ा बढ़ना चाहते हैं वो उस तरफ से चीनी लग जाते हैं, इधर से उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से आगे नहीं जाने दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें इस सारी परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए, इस पर इसकी समीक्षा करने के लिए ये सारा उनका दौरा था। अभी ये भी है कि एक तो ले भी वो पहुंचे हैं और ऐसा मुमकिन है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल का भी एक जायजा लें श्रीनगर जाकर, लेकिन अभी लद्दाख में वो, और ये सारी चीजें यहाँ पर वो चाहते हैं व्यवस्थित भी रहें, समीक्षा भी उसकी करें और सारे जवानों में ये संदेश जाए कि जो उनका प्रमुख है, जो उनका मुखिया है, जो उनका अगुआ है, वो यहाँ फ्रंट लाइन पर आकर उनसे मुलाकात कर रहा है। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है हौसला अफजाई करना, जिसकी तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। देखिए, बकायदा हॉस्पिटल में जाकर एक एक सैनिकों से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा, एक ऐसे वक्त में जब चीन के साथ झड़प में ये तमाम सैनिक जख्मी घायल हुए थे। अहम जानकारी श्वेता सिंह सीधे लद्दाख से दे रही थी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस के दौरे ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। ये दौरा मौजूदा तनाव और रूस के साथ हथियारों की डील को लेकर काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, जहां भारत की चीन को इंटरनेशनल तरीके से घेरने की हो चुकी है पूरी तैयारी। यूं तो ये भारत और रूस के जवानों की कदमताल है, लेकिन इन बढ़ते कदमों से ही भारत रूस के कूटनीतिक रिश्तों को रफ्तार दी जा रही है। दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत पर मॉस्को में जश्न हो रहा है और विक्ट्री परेड में भारत की सेना भी शामिल है। जीत का ये परेड तो बस बुनियाद है, कोशिश है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए रूस से पुराने रिश्तों को मजबूती देने की और चीन को अलग थलग करने की। राजनाथ सिंह रूसी नेतृत्व के बड़े नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। भारत रूसी हथियारों का बड़ा खरीदार रहा है और बैठक में खरीद से जुड़े मुद्दों पर फोकस होगा। खबर है कि भारत इस 400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में तेजी की मांग करेगा। भारत पिछले साल ही इसके लिए रूस को 40,000 करोड़ का भुगतान कर चुका है। सुखोई 30, MKI, MiG-29, T-90 टैंक के पार्ट्स की अर्जेंट सप्लाई पर भी बात होगी। पहले पार्ट्स की सप्लाई समंदर के रास्ते होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से सप्लाई अटक गई। भारत चाहता है कि अटके पड़े पार्ट्स की सप्लाई हवाई जहाज के जरिए जल्द हो जाए। राजनाथ सिंह, जो भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, जो जो इक्विपमेंट है पाइपलाइन में है, उसकी उसमें तेज गति करने की कोशिश करेंगे, उसको रिक्वेस्ट करेंगे रशियन अथॉरिटीज को। सबसे महत्वपूर्ण है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, विश्व में सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है जिसका किसी के पास जोड़ नहीं है। भारत के लिए ये बैठक बेहद अहम है, क्योंकि चीन LAC पर आंखें दिखा रहा है और हालात बिगड़े तो वायुसेना की मोर्चाबंदी सबसे अहम हो जाएगी। लेह लद्दाख की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वायुसेना का रोल मायने रखेगा, लेकिन चीन की चालबाजी सामने आते ही लेह में सबसे पहले लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई। इस वक्त लेह में तैनात सुखोई 30 लड़ाकू विमान और T-90 टैंक के कलपुर्जों पर भी बात होगी, लेकिन सबसे जरूरी, भारत इस वक्त रूस से कई एयर टू एयर मिसाइल भी लेना चाहता है। ऐसे में भारत उम्मीद कर रहा है कि इस समय रूस भारत की रक्षा जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा करेगा। मॉस्को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। यूं तो आने वाले दिनों में भारत को रूस से कई बड़े हथियार मिलने हैं, वहीं सीमा पर छोटे बड़े हथियारों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। भारत ने इसके लिए करीब 500 करोड़ का बजट पास किया है, जिसमें कई हथियार रूस से लिए जा सकते हैं। अभिषेक भल्ला और गीता मोहन के साथ मनजीत नेगी, दिल्ली आज तक। सबके बीच चीन के मुद्दे पर देश में भी घमासान मचा हुआ है। सर्वदलीय बैठक के बाद भी विपक्षी दलों को लग रहा है कि सरकार इस मामले में कुछ छिपा रही है।
कांग्रेस की बैठक में आज इस बारे में बाकायदा प्रस्ताव पास करके सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। एलएसी के हालात पर 19 जून को पीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और इसके बाद एक बयान देकर सरकार का रुख भी साफ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद न तो विपक्ष की शंकाओं का समाधान हो पा रहा है, न ही सवाल खत्म हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रोजाना सरकार से चीन के मुद्दे पर एक सवाल पूछ रहे हैं। आज राहुल ने वही सवाल दोहराया जो वो रोज पूछते हैं, क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी चीन का मुद्दा छाया रहा। बैठक में एलएसी के हालात पर प्रस्ताव पास किया गया। इसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी हमारे सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है, चीन की घुसपैठ कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस मामले में सरकार का रुख सच को नकारने और गलत जानकारी देने वाला है। However, there is a growing feeling among the people that the government has gravely mishandled the situation. The future is yet to unfold, but we hope that mature diplomacy and decisive leadership will inform the government's actions in protecting our territorial integrity. कांग्रेस पूर्व सैन्य कमांडर और एक्सपर्ट का हवाला देकर इस बात पर अड़ी है कि सरकार देश से सच छिपा रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं को ये आरोप नश्तर की तरह चुभ रहा है। आज लोग चिंतित हैं, आज लोग परेशान हैं जानने के लिए कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है और देश की सीमा में अगर चीनी फोर्सेस पहुंच गए हैं, इस तरह के सैटेलाइट इमेजेस हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी कुनीति नहीं देख रही है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह की बयानबाजी चाइना के मुद्दे पर कर रही है, इससे देश की जनता में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा उभर रहा है। ये सच है कि चीन की सरहद पर 20 जवानों की शहादत कोई मामूली वाकया नहीं है। करीब 45 सालों बाद ये नौबत क्यों आई, क्या इसे रोका जा सकता था और अब इस हालत से आगे का क्या रास्ता निकलेगा, ऐसे कई सवाल देश के लोगों को परेशान कर रहे हैं। सरकार को एलएसी के साथ साथ लोगों के मन में मची इस खलबली को भी शांत करने की जरूरत है। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। एलएसी पर कांग्रेस का सियासी प्रस्ताव आप देख रहे थे। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको दे दे, लगातार सरकार पर हमलावर है राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की ओर से एक बार फिर से हमला करते हुए एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए सरकार पर हमला साधा गया है। चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री के बयान में चीन के दावे का समर्थन है। प्रधानमंत्री सेना के बजाय चीन के साथ क्यों खड़े हैं? चीन कह रहा है कि ये जमीन भारत की नहीं है। पीएम सेना की बजाय चीन के साथ क्यों खड़े हैं? राहुल गांधी की ओर से अब से कुछ देर पहले एक और ट्वीट के जरिए पीएम से सवाल पूछते हुए यह निशाना साधा गया है। इधर एलएसी पर जारी तनातनी के बीच एलओसी पर पाकिस्तानी साजिशें जारी हैं। एक तरफ पाकिस्तानी फौजें सरहद पर अंधाधुंध गोलाबारी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ उसके गुर्गे कश्मीर घाटी में खून बहाने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे ही दो पाकिस्तानी गुर्गे आज पुलवामा में ढेर कर दिए गए। कुपवाड़ा में मंगलवार अल सुबह शुरू हुई मुठभेड़ का चंद घंटों बाद ये नतीजा हुआ। सुरक्षा बलों की गोलियों की बौछार के आगे दोनों आतंकी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और भागने की कोशिश में ढेर कर दिए गए। लेकिन मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ के जवान सुनील काले भी शहीद हो गए। महाराष्ट्र के रहने वाले सुनील काले को उनके साथियों ने भारी मन से आखिरी विदाई दी। सुरक्षा बलों को पुलवामा में बंदाजू इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साझा ऑपरेशन में दोनों को मार गिराया गया। तो हमारी बॉर्डर ग्रिड एंड हिंटरलैंड ग्रिड दोनों ही तालमेल के साथ काम कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसमें और कामयाबी हासिल होगी। कश्मीर घाटी में जून के महीने में अब तक 11 मुठभेड़ हो चुकी है।
इन मुठभेड़ों में 30 आतंकी ढेर हो चुके हैं, जबकि इस साल अब तक मारे गए आतंकियों की संख्या 100 पार कर चुकी है। मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान और उसके गुर्गे फिर से दहशतगर्दी के एजेंडे पर लौट आए। आतंकवादियों की घुसपैठ के साथ सरहद पर सीज फायर ने भी रफ्तार पकड़ ली है। LOC पर उरी सेक्टर में पाकिस्तानी मोर्टार लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें इन गांवों में पसरी दहशत के गवाह हैं। आज हुए हमले में 2 बच्चों समेत 5 लोग जख्मी हो गए। श्रीनगर से अशरफ वानी और शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की अहम खबर का हम रुख करेंगे। बाबा रामदेव की कोरोना की दवा से आयुष मंत्रालय ने पल्ला झाड़ लिया है। आयुष मंत्रालय ने साफ कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। वहीं दवा के विज्ञापन पर भी रोक लगाने का बाकायदा आदेश दिया गया है। आपको बता दें, मंत्रालय ने कंपनी को इस संबंध में सूचना देते हुए कहा है कि इस तरह का प्रचार करना कि इस दवाई से कोरोना का 100% इलाज होता है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, आपत्तिजनक विज्ञापन कानून 1954 का उल्लंघन है। पतंजलि से कहा गया है कि वो नमूने का आकार, स्थान, अस्पताल जहां अध्ययन किया गया और आचार समिति की मंजूरी के बारे में विस्तृत जानकारी दे। तथ्यों और वैज्ञानिक अध्ययन पर बकायदा रिपोर्ट मांगी गई है बाबा रामदेव से। आयुष मंत्रालय की ओर से अभी तक दवा पर कोई मोहर नहीं लगाई गई है, लेकिन रामदेव दवा से 100% रिकवरी का दावा कर रहे हैं। क्या है पतंजलि का दावा इस दवा के जरिए, इस रिपोर्ट में जानिए। कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जिस बीमारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, दुनिया भर के वैज्ञानिक जिसकी काट के लिए दिन रात लगे हुए हैं, उस कोरोना की काट खोजने का दबाव पतंजलि ने किया है। बाबा रामदेव का कहना है कि उन्होंने कोरोना की दवा बना ली है, जिसे नाम दिया गया है कोरोनिल, जिसे आज हरिद्वार में लॉन्च किया गया। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण। बाबा के मुताबिक दवा के 2 ट्रायल किए गए, पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी और दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी के तहत देश के अलग अलग शहरों के 280 रोगियों को शामिल किया गया, जिसमें 100% मरीजों की रिकवरी हुई, एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। 3 दिन के अंदर 69% रोगी रिकवर हो गए, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। 7 दिन के अंदर 100% रोगी रिकवर हो गए। बाबा रामदेव ने दावा किया कि दवा का रिकवरी रेट 100% है, वहीं डेथ रेट 0 है। बॉडी ने इन्फ्लेमेशन जो होता था बॉडी का, बिल्कुल क्योर कर लिया गया। तो हमारी पायलट स्टडी है, अभी हो सकता है आने वाले समय में 1-2-3 महीने के बाद फिर हम मिलें, जब हम इसमें मॉडरेट टू सीवियर इन्वॉल्व करेंगे, उसको हम लोग फिर लाएंगे। पतंजलि के मुताबिक दवाई को बनाने में सिर्फ देसी सामान का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मुलेठी काढ़ा, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, श्वासरी और अणु तेल का इस्तेमाल किया गया। अश्वगंधा से COVID-19 के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी RBD को शरीर के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE से नहीं मिलने देता, यानी कोरोना इंसानी शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं में घुस नहीं पाता। वहीं गिलोय कोरोना संक्रमण को रोकता है, तुलसी COVID-19 के RNA पर अटैक करती है और उसे मल्टीप्लाई होने से रोकती है। अणु तेल नाक में डालने से रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी वायरस के मौजूद होने पर उसका अंत होता है। साथ ही श्वसरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है। ये दवा दिन में 2 बार सुबह और शाम को ली जा सकती है। दवा की किट करीब 600 रुपए की होगी, जो कि 1 महीने का डोज है। आज तक पेरो। आगे बढ़ते हुए अब बात बिहार की करेंगे, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले RJD को बड़ा झटका लगा है। RJD के 5 MLC JDU में शामिल हो गए आज। वहीं उपाध्यक्ष रघुवंश प्रताप सिंह ने भी अपने पद से दे दिया है इस्तीफा। बिहार में विधानसभा का चुनावी बुखार चढ़ना शुरू हो गया है।
जिसकी शुरुआत लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को लगे बड़े झटके के साथ हुई। आरजेडी के उपाध्यक्ष और दिग्गज नेता रघुवंश प्रताप सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं 5 MLC ने पार्टी का दामन छोड़कर जेडीयू का साथ पकड़ लिया। आरजेडी से खुश रह कहना है, हम लोग जेडीयू का दामन थाम लिया। बहुत सारे लोग टूट, अभी रघुवंश बाबू इस्तीफा दिए हैं उपाध्यक्ष से, ऐसे ऐसे दर्जनों लोग हम जानते हैं, वरिष्ठ नेता लोग इस्तीफा देगा बहुत जल्दी। माननीय सभापति ने इसकी मान्यता दी है, हम सभी जनता दल यू परिवार में उनका स्वागत करते हैं और अब वो जनता दल यू परिवार के सभी साथी हैं, परिवार के सदस्य। तेजस्वी ने पूरे मामले को नीतीश कुमार की साजिश बताया है। वहीं बीजेपी ने आरजेडी में चल रही तानाशाही को इसकी वजह बताया है। नीतीश कुमार जी को हम शुभकामनाएं दें, उसकी कॉपी, उसकी जो MLC जो यहाँ से वहाँ गए हैं उनके भविष्य को लेकर के हमारी शुभकामनाएं हैं। आरजेडी कोई विकल्प नहीं है बिहार के अंदर। सब लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल एक गुजरा हुआ कल है और एक डूबता हुआ नाव है, तो कोई भी उनके अपने सदस्य भी उन पर यकीन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी टूट हुई है। इस्तीफा देने वाले सभी MLC लालू प्रसाद यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये आरजेडी की मौजूदा वंशवाद की राजनीति और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से परेशान थे। दरअसल 7 जुलाई को विधानसभा परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और खबरें आ रही हैं कि आरजेडी की ओर से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। आरजेडी के पास मौजूद विधायकों की संख्या के आधार पर 9 में से 3 सीटों पर उसकी जीत पक्की है। जिन 5 MLC ने इस्तीफा दिया है उसमें एक मुस्लिम है कमरे आलम और एक यादव समाज से आते हैं दिलीप राय, यानी कि मैसेज देने की कोशिश यहां नीतीश कुमार की तरफ से ये है कि यादव और मुसलमान भी अब जो है वो लालू प्रसाद या कह सकते हैं RJD के साथ नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले विधान परिषद के चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। 9 MLC सीटें विधानसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर चुनी जानी है। ऐसे में एक विधान परिषद के लिए 27 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी, जिसे लेकर खेल शुरू हो चुका है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। इसी साल बिहार में होने हैं विधानसभा के चुनाव। 2015 में जेडीयू आरजेडी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें आरजेडी को 80-73 सीटें जेडीयू के खाते में गई थी, लेकिन इस बार मुकाबला महत्वपूर्ण। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। देश तक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आगे जरूर देखिएगा। आपकी बार धोखेबाजी पर आखिरी बार हमारी खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।